हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 7:30 हो रहे सुबह के। आज का मेरा प्लान थोड़ा अलग है। आज मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो आगे आपको बता दूंगी। मिंकू अभी उठ गया है, वॉशरूम जा रहा है, और यहाँ बना रही हूँ चाय अपने लिए। और कोई नहीं पिया, सबने पी लिया। सारा कोई लेके आ गई मैं। वो पीस रख लिया जिसको कलर लाना। और आपकी सॉक्स देख लेना, सॉक्स के 5-6 में। कौन से? वुलन वाले? वुलन से रखा है अच्छा, वो सेट वाला ना, एंकल वाला ना। 6 कोशिश करना मांगने का, एंकल वाला। मैं जा रही हूँ मार्केट, सरोजनी मार्केट, और एक मेरी फ्रेंड आ रही है, उससे भी मिलना है, उसके साथ ही जाऊंगी। और वो हम कितने साल बाद मिल रहे हैं, मुझे याद भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं कितने साल बाद मिल रहे हैं। ध्यान ही नहीं आ रहा, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा कितने साल हो गए इस बात को। उत्तराखंड रहती है, अभी शिफ्ट हुई है फिर से गुड़गांव में, तो उसके साथ जाना है क्योंकि उसको करवा चौथ के लिए अपना अपना कुछ सामान लेना है, और मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। कुछ ओकेजन आने वाला है फर्दर, तो आप लोग को अपडेट देती रहूंगी क्या है वो। आपको को कह रहा था छोड़ के जा रही हूँ, मिंकू टेक केयर करेगा, है ना। मिंकू टेक केयर करेगा इनका, ठीक है ना, ठीक है ना। है हाँ, मुंडी ला रही है। हाँ, मैं नाश्ता बना रही है, नाश्ता करूंगी फिर निकल जाऊंगी। 10 बजे का टाइम दिया है क्योंकि वहाँ जल्दी जाना है, पता ही है सरोजनी में इतनी भीड़ होती है, चलने की जगह नहीं होती। लोग भीड़ जो है आपको खुद अपने आप चला देती है वहाँ पे, तो इसलिए सैटरडे थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है। संडे तो भूल जाओ जाना वहाँ पे। संडे तो मच्छी मार्केट होता है, मच्छी मार्केट। मच्छी मार्केट क्यों बोलते हैं इनको? मच्छी मार्केट बहुत भीड़ लगती है, इसलिए खूब मच्छियाँ होता है, शोर होता है। तो मच्छी मार्केट जा रहे हैं, सरोजनी मार्केट जा रहे हैं। क्या मच्छी कह रहे हैं। मम्मी बना रही है नाश्ता, दिखा देती हूँ। पनीर का पराठा बन रहा स्पेशल में, है पनीर का पराठा बन रहा है, डीप फ्रीज कर रही है। मम्मी कहते डीप फ्रीज कर रही हूँ मैं। मम्मी ने इतना मस्त पराठा बनाया है, पनीर का आलू मिक्स पनीर पराठा, खुशबू आ रही है। और घी से इसकी सेकाई करी अच्छे से, घी से कह रहा बदबू आ रही है। घी की बदबू आती है, बताओ आप लोग, मुंह देखो, कह रहा घी की बदबू आ रही है। घी इतनी खुशबू आती है, घी कह रहा बदबू आ रही है घी में, खुशबू आती है, बताओ। घी को बदबू नहीं बोल सकता। हाँ, मैंने नहीं बोला बदबू, झूठ बता रहे हैं वो। मैं झूठ बोल रहा है, उनका झूठ बोल रहा है। हेलो, उनका ख्याल रखना जा रही हूँ मैं। अच्छा, उल्टा कर दूंगा, उल्टा तुमको कर दूंगी, मैं कह रहा उल्टा कर दूंगा। इतना अंधेरा रखते हैं लोग घर में, बिजली बिल बचाते हैं, बिजली बिल कहाँ जाओगे बचा के, बिजली बिल कहीं नहीं जाएंगे, यही रहना है, यही रहना है, बचा रहे। कहीं के जाएंगे हम, पकड़ो हम जूता पहन लो, तुम्हारा चप्पल पहन ले। हाँ, मेरा वाला पहन लो। खाली मन डालने के लिए बैग वगैरह कोई रखा पॉलिथीन? नहीं। फिर कैसे लाओगे? अरे मैं ला लूंगी, तो ला लोगे। चलो बाय, चलो बाय, ध्यान से रहना, कुकर का ध्यान रखना, तुम ध्यान से रहना। चलो बाय। इस वाले फ्लैट में छोटा सा बेबी है, और छोटा सा उसको खिला रही है उसकी सिस्टर बड़ी है उसकी, गाना गा रही थी।
अभी मैं आई हूँ बोटैनिकल गार्डन और यहाँ से चेंज करूँगी आई एन ए के लिए। मैं ट्राई नहीं है, वेट कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में आ जाएगी। भावना से मिलने में मुझे याद ही नहीं आ रहा कितने साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हम लास्ट टाइम कभी मिले थे? शादी मतलब उनकी 16 में 15 में मिली था, वही लास्ट होगी हमारी। नहीं नहीं, उसके बाद एक बार हम आ गए 17 में हम मिले थे, उसके बाद हम मिल रहे 21st में। भाई लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलकर। 5 साल कोई चेंज नहीं आया किसी में भी, ना इसमें ना मुझ में। लेकिन मैं पहले से थोड़ा मोटी हो गई, थोड़ी सी थोड़ा सा गेन किया इसमें भी, थोड़ा सा इतना सा ज्यादा नहीं। लेकिन अब सही लग रहा है, पहले तो सब पत्ती है, पत्ती दिमाग खराब कर देते हैं। आ गए हम लोग आई एन ए मेट्रो स्टेशन में, नहीं सरोजनी है ना? हाँ सरोजनी है, सरोजनी है। यहाँ से लेंगे ऑटो मार्केट के लिए। भावना को आश्चर्य हो रहा है कि मैं एज इट इज दिख रही हूँ। यहाँ कोविड टेस्ट करवा रहे हैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सबको, जिनको वैक्सीन लग गया उनका क्या करेंगे भाई। ये तो कुछ ज्यादा ही लंबी लाइन कर दी यहाँ से, इतनी लंबी लाइन लगा दी ये लोगों ने कोविड टेस्ट के चक्कर में। जिनका वैक्सीन डन है उनका भी, सबका है, फुली वैक्सीनेटेड। लेकिन क्यों मैम? वो तो आप सरकार से पूछ रहे हैं, दोनों को उनको भी टेस्ट कराना होगा, चल जाना है। लेकिन जबरदस्ती है क्या ये? फुली वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड में ये नहीं लिखा कि उसके बाद टेस्ट नहीं करवाना आप लोगों को। सुनो मैम, लाइन में चलिए, पीछे लाइन में आ जाओ। अरे जल्दी, फालतू का रोक रहे हैं ये, फालतू का वैक्सीनेशन के बाद भी रोक रहे हैं ये लोग। इमरजेंसी ये वाले भैया से हमने बेल्ट लिया है, यहाँ पे अच्छे अच्छे बेल्ट मिलते हैं, लेना हो तो आप आ जाइएगा। रिंग देखना है क्या? अच्छे लग रहे हैं यार, सेट दे रहे भैया ये कितने का? 100 रुपए का। ब्लैक हो जाएगा बाद में? ब्लैक ही हो जाएगा, सिल्वर ब्लैक में होता ही। अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन बहुत महंगे हैं। हमें पर्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। मुझे तो अच्छी लग रही है। हम लोग की हालत हो गई है खराब, बिल्कुल थक गए हैं और हालत खराब हो गई, गर्मी इतनी भीड़ मार्केट में और मेट्रो में गोल गोल घूम रहे, समझ नहीं आ कहाँ से मेट्रो मिलेगी हमें। इंटरलिंक कर रखा है अंदर से मेट्रो, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे क्या मेट्रो जाना है। ये एग्जिट कर रहा है, फोन बिजी है भैया। हौस खास के लिए किधर जाना होगा? हौस खास ये वाला मेट्रो लेंगे, चलो।
मतलब हुडा सिटी सेंटर जाना है और मुझे जाना है जनकपुरी। जनकपुरी के लिए मैं चेंज कर रही हूँ हॉस्टल से और इसकी मेट्रो डायरेक्ट जाएगी तो बैठी हुई है जा रही है सीधे। को नहलाते तो ये करता हूँ पानी थोड़ा कोको कारा नहा लिए। कैसे हो गए बाल? देखो बाल खड़े हो गए कोको के सारे। मम्मी के लिए फोटो कर। क्या करूँ? फोटो अगर ला भाई पनीर जलेबी आरती है नहीं सारा खा जाऊंगा कुछ नहीं बचाऊंगा। और समोसे सब सही चल रहा है सही मजा आ जाएगा। ये मैं खाऊंगा सबसे बड़ा वाला। वो आरती के लिए है। सबसे बड़ा वाला आरती के लिए। सबसे छोटा वाला ये वाला मम्मी खाएगी। लेकिन ये जो छोटा ये सबसे छोटा ये मम्मी खाएगी थोड़ा गरीब सा है। लेकिन ये जो ठंडा है ना गरम कर लो। हाँ गरम करके खाएंगे। आरती के लिए तो रख दो ना। हाँ रख दो उसके बाद आरती को डराता हूँ। आ गए? नहीं करी डराने के लिए खड़ा डराने के लिए खड़े हो। हाँ चाय पी लूंगी बाद में खाना खाऊंगी। बहुत बहुत भूख लग रही है। लेकिन चाय क्या बनाया? कोफ्ता बनाया मम्मी ने। कोफ्ता अंडा दिख रहा है। इतनी भीड़ थी ना भाई सरोजनी में। इतनी भीड़ मतलब सैटरडे और संडे तो मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी कि वहां जाओ। दिल्ली वाले उनको पता होगा कितनी भीड़ होती है। बाकी नॉर्मल वीकेंड आप वीकडेज में जाओ सही रहेगा। कुछ हमने सामान नहीं लिया। जो लिया है अभी दिखाया नहीं क्या लिया। अगर आप लोग को देखना है कि क्या लिया तो कमेंट करके बताइए। है ना मिंकू? है बताना पड़ेगा ना? नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी। पूछोगे आप लोग तब तो पता चलेगा ना मैं क्या लेके आई हूँ। नहीं तो नहीं बताऊंगी। चलो मुझे बहुत भूख लगी चाय पीऊंगी। मिंकू मेरे को डराने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद ही डर गया। डरा मुझे पता था खड़ा है वहाँ पे पीछे। हाँ। इतनी सारी लाइटें जो जली थी इतना उजाला था पता चल जाता है। सब पता चल जाता है मुझे। घर की हालत क्या कर रखी है तुमने? पूरे दिन बैठा रहेगा नेटफ्लिक्स देख लो। लैपटॉप में काम नहीं हो रहा नेटफ्लिक्स चल रहा है। नहीं तो टीवी में चलेगा नहीं तो यहाँ चलेगा। और कोको कैरा को नहला दिया कह रहा है बेचारे। कोको कैरा को नहला दिया। तुमको नहला दिया? खुद नहीं नहाया। खुद नहीं नहाया इन दोनों को नहला दिया है। कायरा कायरा क्यों खराब है? मारती है खेलती है। वो बारी है देखो खाना खाने के लिए बारी होगी। बैठी थी उसको धीरे में मुंह से झूला झूला की कोशिश कर रही है। ये मेरी अच्छी वाली चाय स्पेशल चाय और ये समोसा आशु लेके आया। और इस जलेबी में कह रहे हैं पनीर भरा है ना? पनीर वाली जलेबी स्टफिंग पनीर की है इसमें। मतलब पनीर की उससे बनाया जलेबी को तो पनीर जलेबी अच्छा सही है। पनीर जैसे बनाया मतलब समझी नहीं। पनीर की उस स्टफ से बनाया जैसे जलेबी उससे बनता है ना। अच्छा लिक्विड में पनीर का लिक्विड अच्छा उससे जलेबी बनाओ। ओ नया उसी से बनाया ट्राई करा है। क्या हो गया तुम दोनों को? दोनों लड़ाई कर रहे हैं खाने की। खाने की लड़ाई कर रही है। दुष्ट हो गई कह रहा बहुत दुष्ट हो गई है। इसको देखो अभी मुझे कुछ काम करना है। खाना खाके ये वाला खाना खाके काम करूंगी। देख लो मम्मी कहती वो ड्राई फ्रूट वाला होगा। क्या लेने गए थे इसको? छोड़ना नहीं चाहिए। क्या सस्ते का माल? रस्ते का माल? रस्ते का माल नहीं है। रस्ते का माल नहीं है। ये हमारे घर में है ना ये कुरकुरे कुरकुरे बॉय उसके लिए कुरकुरे मैंडेटरी रहता है। और एक और चीज उसको कुरकुरे चाहिए।
मैगी एग। मैगी और कुरकुरे तो चाहिए चाहिए, कभी ना उसका दिन और रात खत्म नहीं होते। पसीना आ गया यार, थोड़ी देर बाद निकलो, पसीना आ जाता है। बताओ ओवर एक्टिंग क्या देखा ना, इसको आता ही नहीं पसीना। थोड़ा सा पसीना ही नहीं आता है भाई, पता नहीं क्या इंसान है। टप गिरता है तो ठीक है, दिन में नहीं लगाना। बस हो गया मास्क में, बहुत हो गया मास्क, बहुत परेशान हो गए। कौन बोला नहीं सुंदर लग रही है? नहीं मेरे को नाम बताओ। मिंकू ने बोला? नहीं मिंकू नहीं बोला। नहीं बोला बेचारे ने। चलिए गाइस इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और ब्लॉग एंड कर धमकी भी दे। चलिए गाइस मैं बंद करती हूँ एंड एंड। क्या बोल रही थी? पता नहीं भाई क्या बोल रही थी। नहीं बताती हूँ ना। हाँ ब्लॉग एंड करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरोजनी नगर गई थी। क्या है सरोजनी नगर गई? तो अगर आप लोग को मेरा नेक्स्ट ब्लॉग सरोजनी नगर पे देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे, ज्यादा लाइक आएंगे तो ही मैं वो ब्लॉग शूट करूंगी। हाँ मतलब पसंद आया तो बताइए, लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू तो पता चलेगा। हाँ। तो और प्रॉपर ब्लॉगिंग होगी, प्रॉपर मैं पूरा एक ब्लॉग उस पर शूट कर दूंगी कि सरोजनी नगर में क्या मिलता है, कितने मिलता है, मैं कितने में लाती हूँ, कितना सस्ता है, कितना महंगा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन अभी है, सब कुछ जो आप लोग को देखना है वो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा मतलब अपकमिंग जो भी आप लोग कमेंट पे ही डिपेंड करेगा वो वाला ब्लॉग। कमेंट और लाइक, अगर लाइक्स आते हैं सरोजनी नगर वाले ब्लॉग पे। हाँ। सरोजनी नगर वाले ब्लॉग पे कंबल मारता हूँ। सरोजनी नगर वाले ब्लॉग के लिए अगर आप लोग ढेर सारे कमेंट और ढेर सारा लाइक करते हैं तो मैं ब्लॉग जरूर शूट करूंगी आप प्रॉपर। फिर वो डेडिकेटेड सरोजनी नगर का ब्लॉग होगा, सरोजनी नगर हॉल होगा। हाँ और चलिए इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।